अब डाउटनट ऐप पर मिलेगा क्लास 6 से 12 का सारा प्रश्नों का उत्तर मात्र 3 सेकंड में। कोई भी प्रश्न को अच्छा से क्रॉप कर लीजिए, उसके बाद उसका आंसर आपको 3 सेकंड में मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां से भी आप प्रश्नों का हल मात्र 3 सेकंड में पा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। VKSU के जो कुलपति हैं प्रोफेसर देवी प्रसाद तिवारी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, जो इस बार स्नातक पार्ट वन परीक्षा दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सेशन 2018-21 का। उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके सारे ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अगर आपके कोई भी छोटे भाई बहन बिहार बोर्ड का तैयारी करते हैं इंटर या मैट्रिक का, तो 5 जनवरी से एनी टाइम पढ़ाई मंत्र एग्जाम स्पेशल क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा है, आप लोग शेयर कर दीजिएगा। जो लोग गैस खरीदना चाहते हैं सौरभ सर का, तो अभी केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी का गैस आ गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा स्नातक परीक्षा में नकल पर सख्त हुए कुलपति। जी हाँ, VKSU स्नातक पार्ट वन जो परीक्षा हुआ है आप लोग का सेशन 2018-21 का, आपका एग्जाम हुआ था 23 दिसंबर को। लेकिन देखिए होता क्या है कि इसी परीक्षा में से कोई ऐसे छात्र एक होते हैं जो वीडियो बना के वायरल कर देते हैं और सभी छात्रों को इसका दिक्कत होता है, सभी छात्रों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप एग्ज़ाम दे रहे हो स्नातक पार्ट वन का, तो आप वीडियो बनाने का क्या ज़रूरत था आपको? ऐसा ही केस हुआ था, सेम टू सेम केस हुआ था 2015-18 सेशन के छात्रों के साथ 2017 में। इसके बाद परीक्षा को कैंसिल करना पड़ा था, एग्ज़ाम को बदलना पड़ा था, एग्ज़ाम सेंटर को। फिर जो छात्र का सेंटर शहर में था, गांव तक सेंटर दे दिया गया था, तो छात्रों को दिक्कत होता है। इसलिए एनी टाइम पढ़ाई मंत्र रिकमेंड करता है, आप 21 सेंचुरी के छात्र हो, 21 सेंचुरी के स्टूडेंट हो, ये सब छोटी मोटी हरकत करोगे तो आपको ही दिक्कत होने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्नातक परीक्षा में नकल पर सख्त हुए कुलपति। सत्र 2018-21 की परीक्षा में नकल की तस्वीरें वायरल होने पर करा रुक। आप डेफिनेटली समझ सकते हो, वीडियो वायरल होगा तो यूनिवर्सिटी का कहीं भी UGC से मान्यता है, NAC से मान्यता है, सब जगह इसका ये होता है, इसलिए यूनिवर्सिटी ने इसे संज्ञान लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे नकल पर अंकुश लगाने को ले जारी किया फरमान, लगाम लगाने के लिए जिम्मेवार समझे केंद्राधीक्षक। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर के आर्टिकल को, अगर आप पूरा डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे फेसबुक पेज एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का, वहाँ से जाके आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करके पूरा नोटिस को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्लियर कर दिया गया है, स्नातक पार्ट वन सत्र 2018-21 की परीक्षा में नकल की तस्वीरें वायरल होने पर VC सख्त हो गए हैं। परीक्षा में बढ़ते कदाचार पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय प्रशासन शिकंजा कसेगा। शेष विषयों की पार्ट वन की होने वाली परीक्षा में नकल पर लगाम को ले VC प्रोफेसर देवी प्रसाद तिवारी ने संबंधित अधिकारियों की क्लास लगाते हुए कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं। VC ने बताया कि नकल किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनवरी माह में होने वाली स्नातक पार्ट वन परीक्षा में ही कदाचार पर लगाम लगाया जाएगा। प्रो VC प्रोफेसर नंद किशोर शाह को इसे ले नोटिस जारी किया गया है। बताया कि उड़नदस्ता टीम का गठन करने के बाद केंद्राधीक्षकों को भी कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। इधर VC के सख्त कदम के बाद प्रो VC और परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर लतिका वर्मा ने आगामी परीक्षाओं के कदाचार मुक्त संचालन को ले रणनीति तैयार कर ली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल उड़नदस्ता की टीम का गठन किया गया है। जनवरी माह में आयोजित होने वाली स्नातक व स्नातकोत्तर की परीक्षा में ही नकल को रोकने को ले उठाए गए कदम लागू किए जाएंगे। VC प्रोफेसर तिवारी ने बताया कि फिलहाल स्नातक परीक्षा को ले 4 जिलों में फैले परीक्षा केंद्रों पर कदाचार नियंत्रण के लिए उड़नदस्ता टीम का गठन किया गया है। हर जिले के लिए, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, हर जिले के लिए गठित टीम में 5 सदस्य हैं। 5 सदस्यीय टीम अपने जिला में परीक्षा केंद्रों पर औचक निरीक्षण का कदाचार रोकने के लिए कार्रवाई करेगा। नकल करते पकड़े गए परीक्षार्थी का निष्कासन भी होगा। बता दें कि विगत 23 दिसंबर को आयोजित हुई स्नातक पार्ट वन की परीक्षा में नकल का वीडियो व तस्वीरों सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वीडियो की कराई जा रही है जांच। जो देखिए, जो वीडियो अभी
वायरल हुआ था, वीसी ने कहा है कि उसका जांच कराया जा रहा है, उस पर संबंधित कार्रवाई होगा। अब आपका एग्जाम कब होगा, तो आपका 3 जनवरी से एग्जाम होगा। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट, VKSU के कुलपति प्रोफेसर देवी प्रसाद तिवारी ने फटकार लगाया है। आप लोग वीडियो वायरल कर देते हैं, कोई एक छात्र वीडियो वायरल करता है सभी छात्रों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितना हो सके शेयर कर दीजिए, जिससे एक एक स्टूडेंट के पास वीडियो पहुंच जाए, ताकि स्टूडेंट सतर्क हो जाए और अच्छा से परीक्षा दे। वीडियो वायरल करना, फोटो बनाना, ये बहुत बड़ा गलती है। देख सकते हैं सभी छात्रों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। VKSU के कुलपति ने इस पर संज्ञान लिया है। तो बीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से पल पल की खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।